हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कंसीलर के बारे में बताना चाहूँगी और मेकअप, स्टार्टिंग से मेकअप हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज आपको बताऊँगी। और वैसे भी आज मैंने बहुत ही दिनों के बाद वीडियो बनाया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना कुछ मेकअप के टिप्स दे दूँ, और जो कि सारी लेडीज़, सारी गर्ल्स को बहुत ही हेल्पफुल हो। जैसे कि मैंने ऑनलाइन ये किट मंगाया है जो कि हाइलाइट्स है, काउंटरिंग है, सब कुछ है इसके अंदर। ये इतना सा किट बहुत ही काम आता है गर्ल्स लोग के लिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आप स्टार्ट करो ना मेकअप करने, तो आप सबसे पहले आप ध्यान रखो, कभी भी आप सबसे पहले फाउंडेशन मत लगाओ, सबसे पहले आप कंसीलर मत लगाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आई मेकअप करना है। जब भी आप आई मेकअप करो तो सबसे पहले आपको आई पे आई डार्क सर्कल्स है, जो भी डार्क स्पॉट्स है, वो आपको अच्छे से कवर करना है। तो जब भी आप कवर करो, उसके लिए आपको कंसीलर सबसे पहले यूज़ करना है। और उससे पहले अगर किसी को भी बहुत ही डार्क सर्कल्स है, तो इसके अंदर एक ऑरेंज कलर का आया है ये वाला, ये नहीं तो एक और एक प्लेट्स आता है जिसके अंदर पिंक कलर का रहता है, या फिर ग्रीन कलर का रहता है, ब्लू कलर का रहता है, ऐसे सारे कलर्स भी आते हैं। तो वो जो कलर्स रहता है ना, वो डार्क सर्कल के लिए रहता है, और जो भी डार्क स्पॉट्स है उसे छिपाने के लिए बहुत हेल्प करता है। ओके, अगर समझो अगर आपके आपके पास ये सब चीज़ नहीं है, तो आप रेड कलर की जो लिपस्टिक रहती है, आप उससे भी डार्क सर्कल छिपा सकते हो। तो आप रेड कलर की लिपस्टिक है, उसको हल्के से आप डार्क सर्कल्स भी लगा दो, उसको स्प्रेड कर दो, और उसके बाद आप कंसीलर लगाओ, और उसके बाद आप फाउंडेशन लगाओ। देखो, आपके डार्क सर्कल्स एकदम से छिप जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप मेकअप करो, सबसे पहले स्टार्टिंग मेकअप, तो आपको डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट्स जो है उसे छिपाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंसीलर लगाना है आपके आई पे, मीन्स इतना पार्ट हमें सबसे पहले इतना ही पार्ट को मेकअप करना है। ओके, तो इतने पार्ट को आपको पहले आई मेकअप करना है, आई कंसीलर लगाना है, कंसीलर से अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आपको लगाना है फाउंडेशन, मीन्स फाउंडेशन एक वो टचअप, वो अच्छा कवर हो जाता है मेकअप, जो भी फाउंडेशन हम जब भी लगाते हैं तो अच्छे से कवर हो जाता है हमारा भी मेकअप, है ना। तो कंसीलर लगाने के बाद आप फाउंडेशन लगा दो इतने पार्ट पे, और फिर आपको जो भी आई शेडो करना है, जो भी आई शेडो का जो कलर आपको पसंद है, वो कलर का आप आई शेडो लगा सकते हो। वो करने के बाद आई मस्कारा, आईलाइनर, जो भी आप लगाना चाहो, आपकी आंखों को सजाना चाहो वैसे आप कर दो। ये करने के बाद आप आपके फेस को, फिर आप फेस की तरफ आइए, मीन्स आपके फेस पे उसके बाद आपको कंसीलर करना है, और उसके बाद आपको फाउंडेशन लगाना है। इसके क्योंकि जब भी आप आई शेडो करो ना, जब भी आप आई शेडो लगाते हैं, तो उसकी जो पाउडर्स रहते हैं वो यहाँ पे गिर जाता है ना। तो जब वो पाउडर्स गिरता है, तो जब आप पहले से ही अगर फाउंडेशन और कंसीलर फेस पे लगा देंगे, तो उससे वो चिपक जाएगा, पाउडर चिपक जाएगा, और फिर वो रिमूव करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, वो स्प्रेड हो जाता है, तो वो बहुत गंदा लगता है हमारे मेकअप पे, मीन्स वो क्लियर एक मेकअप नहीं लगता, बहुत ही गंदा दिखता है। तो आप जब भी मेकअप करो, सबसे पहले आप आई मेकअप कर लिया करो, उसके बाद आप फेस की तरफ आओ। और फेस जब आप करो, आई मेकअप जब भी करो, तो आपके आईब्रोज भी आप अच्छे से सेट कर दो। ओके, मैंने आपको बताया हुआ है कि आईब्रोज कैसे सेट करते हैं। तो आप फेस मेकअप पे आप जब भी आओगे, तो पहले कंसीलर लगाना, और कंसीलर के बाद आपको फाउंडेशन लगाना है। फाउंडेशन लगाने के बाद अगर जिसको भी नोज़ कटिंग और ये कटिंग, जो भी कटिंग्स करनी है आप कर सकते हो, और कटिंग्स अगर आपको सीखना है, तो मेरा कुछ एक दो महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फेस कटिंग पे, तो आप वो देख के आपका मेकअप कर सकते हो। जैसे कि अभी शादी के सीजन्स है, तो आप मेकअप बहुत ईजीली कर सकते हो मेरा मेकअप सीख के। वैसे भी मैं कटिंग्स आपको बताने वाली हूँ, दो तीन दिन के बाद मैं आपको अच्छा सा फेस कटिंग आपको मैं सिखा दूँगी कि फेस कटिंग कैसे करते हैं, इजी वे, बहुत ही सिंपल वे से। तो ये आप मेकअप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग आपको क्या कंसीलर करना है, उसके बाद फाउंडेशन लगाना है, उसके बाद जो भी आपको मस्कारा या ब्लशेस करना है ब्लशर कर दो, और लिपस्टिक लगा दो। लिपस्टिक के बिना तो हमारा मेकअप पूरा कंप्लीट होता ही नहीं है, तो आप लिपस्टिक लगा दो और फिर हमारा मेकअप डन है। ओके,
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरा वीडियोज़ को। और ये जो किट है ना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 450 रुपीज़ में ली है, बट ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा है। ये क्रीम मैं आपको सिर्फ हाथ में लगा के बताती हूँ, सॉरी थोड़ी सर्दी है और तबीयत भी ठीक नहीं है। ये जो है, ये है हाइलाइट्स, ये है हाइलाइट का, ये देखो। दिख रहा है? ये हाइलाइट्स होता है, अच्छे से मर्ज हो जाता है, अच्छे से लग जाता है वो। और सेकंड कलर है ये डार्क वाला ऑरेंज जैसा। इससे आप आपके डार्क स्पॉट्स हैं वो सब छिपा सकते हो। ओके, बहुत अच्छा है ये, आप रिजनेबल प्राइस है और बहुत ही अच्छा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से इजीली। इसका पैकिंग भी अच्छा है, और कहाँ पे जा सको, कहाँ पे जाओ तो आप ये लेके भी जा सकते हो। ये मीन्स बोले ना कि अगर यहाँ से सिर्फ कोई छोटी पार्टी या कहाँ पे ऑफिस या आपको ऐसे जाना है, तो आप तभी ये लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पूरा फाउंडेशन लगाओ और ये लगाओ वो लगाओ, वैसा नहीं। आप सिर्फ ये इससे कवर कर दो आपका फेस का जो भी डार्क स्पॉट्स है, और फिर बाद में आप लिपस्टिक लगा दो, काजल लगा दो, हो गया आपका मेकअप, है ना। चलो देन, बाय, टेक केयर, और लव यू ऑल, बाय बाय।